वेलकम फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाला हूँ कि वाई स्पोर्ट्स एथलीट्स दे ऑल नीड कारोपैक्टिक वॉट इज़ अ कारोपैक्टिक नीड फॉर दी स्पोर्ट्स पीपल क्योंकि स्पोर्ट्स मैन बहुत सारे वेरियंट के थ्रू गुजरते हैं वैन दे स्पेंड एट टू टेन आवर्स ऑन द फील्ड और समटाइम लिटल लॉन्गर सो दे नीड अ हेल्प क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं स्पोर्ट्स मैन को सो so जिसमें हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं जिसका मतलब ये होता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है या टेंडिनस मस्कुलर इंजरीज होती है किसी भी तरह की इंजरी हो चाहे सॉफ्ट टिश्यू हो या डीप टिश्यू हो या लेगामेंट इंजरी हो या किसी भी तरह का स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स कभी एक्सरे में देखते हैं नहीं स्ट्रेस फ्रैक्चर्स यानी कि हड्डी टूटने को नहीं बोलते स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हम उसको बोलते हैं जब बोन्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर कंसनट्रेट कर जाता है और उनके लिए एक भी स्टेप लेना या फॉरवर्ड खेलना या खड़े रहना इंपॉसिबल हो जाता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेन कर चुके होते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर्स को ट्रीट करना नॉर्मली बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आता किस तरह से करना है तो उन सब चीज़ों में कायोपेक्टा की बहुत ज़्यादा हेल्प लगती है अगर आपकी मोबिलिटी रिड्यूस होने लग गई है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं तो उसको रिगेन करने में हेल्प करते हैं आपको लगता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है आपकी मसल टाइटनेस हो रही है आपके जॉइंट स्टिफ हो रहे हैं तो कायरपेक्टा इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसके अलावा अगर आपकी किसी भी तरह की इंजरी है जो कि आप सफ़र कर रहे हैं चाहे वो नी इंजरी हो शोल्डर इंजरी हो बैक इंजरी हो एल्बो हो या फीट प्रॉब्लम्स हो जैसे कि हर किसी एथलीट को कोई ना कोई अलाइनमेंट रहता ही रहता है अलाइनमेंट का मतलब ये है कि अगर वो एक तरह का स्पोर्ट्स खेलता है समझिए फुटबॉलर है या बास्केटबॉलर है कुछ एक्शंस उनके लिए बहुत नॉर्मल रहते हैं जो कि वो हर रोज़ करते हैं तो उसकी वजह से वेट डिस्ट्रीब्यूशन एक टाग पे ज़्यादा रहता है दूसरी टांग पर कम रहता है इन सब चीज़ों की वजह से कुछ मसल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेन रहती है कम्पेयर टू दी अदर्स वो आप समझ सकते हैं अगर एक बॉलर है और राइट हैंड से बॉल फेंकता है तो उसका लेफ्ट लेग जब फॉरवर्ड पर आता है तो कितना ज़्यादा वेट लेता है उसी तरह से अगर बैट्समैन है जो कि राइट हैंडेड है तो जब अपना लेफ्ट लेग फॉरवर्ड लेके जाता है तो उसके लेफ्ट नी पे कितना प्रेशर आता है या उसके बैक पे कितना प्रेशर आता है एक अगर फील्डर है तो जब भी हम झुकता है वो या टर्न अप करता है तो उसके बैक पे उसके बॉडी पे कितना स्ट्रेन आता है इन सब चीज़ों के लिए हम सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं हम उनकी पूरी बॉडी का अलाइनमेंट करते हैं उनके बॉडी से जॉइ से स्टिफनेस निकालते हैं उनकी मसल्स को रिलैक्स करते हैं और बॉडी को दोबारा रिफ्रेम करते हैं दोबारा सेम पोजीशन में न्यूट्रल पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं वो चाहे हमारे थेरेपी से हो कपिंग से हो नीडलिंग से हो एडजस्टमेंट से हो या उनकी नेक को शोल्डर्स को बैलेंस करने से हो कई केसेस में क्या होता है पॉस्चर झुकने लग जाता है एथलीट्स का आप हाँ बहुत कॉमनली देखेंगे उनके पाँव बेंड करने लग जाते हैं उनके हिप का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है तो हम बहुत इफेक्टिवली बहुत शॉर्ट टाइम में उसको रीशेप यानी पॉस्चर को दोबारा रीअलाइन कर देते हैं अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो हमसे पूछना ना भूलें अगर आपको एक छोटा सा रिकैप देना चाहूँगा कि तो मैंने क्या क्या अभी तक डिस्कस किया है मैंने डिस्कस किया है कि स्पोर्ट्स इंजरीज या एथलीट्स में कायोपैक्टिक की ज़रूरत क्यों होती है किस तरह की इंजरीज होती हैं सॉफ्ट टिश्यू डीप टिश्यूज या फ्रैक्चर्स और अगर उनका ट्रीटमेंट सही से, से ना किया जाए तो क्या आपके पॉस्चरल चेंजेस हो सकते हैं आपकी एफिशेंसी कैसे घट सकती है और उसकी एफिशेंसीज हम कितने इफेक्टिवली बढ़ा सकते हैं आपके पेंस को आपके स्ट्रेंथ को आपकी एजिलिटी को हम बहुत ऑप्टिमाइज़ रख सकते हैं अगर फिर भी आपके पास कोई सवाल है कि वाई यू शुड कंसल्ट प्लीज़ डू लेटस नो वील कीप आंसरिंग ऑल ऑफ दैम थैंक यू